गाइस इतने ज़्यादा बल्क में फुटवेयर्स आप लोग देख सकते हो, यू कैन सी। सो मैं लेकर आ गई हूँ जो कि मुझसे संभाले नहीं जा रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी हो गए हैं। सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में मैं आपका स्वागत करती हूँ, जिसमें मैं लेकर आ गई हूँ आजियो से बहुत ही ज़्यादा अच्छे अच्छे फुटवेयर्स, जिसमें हील्स होने वाली हैं, फ्लैट्स होने वाले हैं और भी बहुत सारी चीज़ें। तो आप लोग देख सकते हो कि कितना ज़्यादा बल्क में मैंने सारा सामान मंगाया है और अभी तक मैंने इसको वैसे तो ऊपर से अनबॉक्स कर लिया था लेकिन अभी प्रॉपर तरीके से नहीं किया, वो सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए रखा हुआ है। तो हम जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं और मैं दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या इन सारे बॉक्सेस में मंगाया है और वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। जिस तरीके से आपने वीडियो के स्टार्टिंग में देखा होगा वो तो सिर्फ एक डेमो था लेकिन अभी पूरी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वन बाय वन मैं इन बॉक्सेस को ओपन करूंगी जिसमें मैंने एक से एक अच्छे फुटवेयर्स मंगाए हैं। तो सबसे पहले हम ओपन कर लेते हैं हमारे वाला बॉक्स, लेट्स सी। सो मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी हील्स की तो मैंने मंगाई है ये ब्यूटीफुल सी हील्स जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी आई हैं। और आप लोग देख सकते हो, एक तो इनका कलर इतना ज़्यादा मुझे प्रीटी लगा कि आई जस्ट लव इट। कलर की वजह से मैंने इसको मंगाया क्योंकि इसको किसी के भी साथ हम कंफर्टेबल तरीके से कैरी कर सकते हैं। थोड़ा सा हील्स इसमें ज़्यादा है, अप्रॉक्स ये थ्री टू फोर इंचज़ की हील्स होंगी, आप लोग देख सकते हो। तो ये काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल एक पेयर है और इसके अंदर आप लोग देखोगे कि एक बहुत ही अच्छा सा ग्लिटरी लुक है जो कि इसकी ब्यूटी को बहुत ज़्यादा बढ़ा रहा है और ये गोल्डन कलर में है। अब हम गोल्डन कलर का अगर कोई भी आउटफिट लेते हैं उसके साथ कैरी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम कोई भी वाइट लेते हैं, ब्लैक लेते हैं, उसके साथ भी गोल्डन बहुत ज़्यादा अच्छा जाता है। सो इस तरीके के फुटवेयर्स बेसिकली ये मुझे काफ़ी अच्छे रीजनेबल प्राइसेस पे मिल गया। ठीक है, ये हील्स है, हील्स महंगी होती है और आजियो पे तो थोड़ा सा सामान थोड़ा सा मीशो एज़ कम्पेयर टू मीशो थोड़ा सा महंगा होता है। तो ये मुझे मिली है आपकी 800 रुपीज़ में जो कि बहुत ज़्यादा मुझे सूटेबल लगी और 800 रुपीज़ के हिसाब से ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं। पहनने में गाइस बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, ऐसा नहीं है कि ये हील्स हैं तो ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होंगी, ये पहनने में भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। मैंने प्रॉपर तरीके से ट्राई किया उसके बाद ही आप लोगों को इसका मैं रिव्यू दे रही हूँ। तो आप लोगों को मेरी हील्स कैसी लगी मुझे प्लीज़ बताइए। तो ये मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छी लगी गोल्डन हील्स। अब हम अनबॉक्स करते हैं हमारा दूसरा बॉक्स। तो अब हम देखते हैं कि हमारे इस वाले बॉक्स में क्या है और ये भी एक बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल कलर है और इसमें भी अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो ये काफ़ी अच्छा सा एक पेयर है जो कि इतनी हील्स में आप लोगों को मिलेगा। इसकी जो हील्स है वो है 2-3 इंचेस की हील्स और इसमें एक ये वाला लुक है जो मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया था। इस वाले लुक से ईजिली हम उसको टाई अप कर सकते हैं और मतलब इतना ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाता है कि ईजिली हम कहीं भी पहन के जा सकते हैं। तो इसका कलर है आपका ब्राउन और येलो का मिक्स। सो मुझे ये पेयर बहुत ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। इसके अलावा अगर हम इसमें बात करें तो ये काफ़ी थोड़ा सा एक एक लुक देता है लाइक पंजाबी टाइप्स, लाइक जिसे हम सलवार्स पे पटियाला सूट पे कैरी कर सकते हैं, तो ये उसका हमें लुक दे रहा है। तो ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है और बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। इसके अगर हम प्राइसेस की बात करें सो इट जस्ट 590 में मुझे मिल गया। तो 590 के हिसाब से काफ़ी रीजनेबल प्राइसेस पे मुझे ये मिल गया। आई जस्ट लिटरली लव दिस। नाउ पेयर नंबर थ्री मैंने मंगाया है फ्लैट्स क्योंकि मुझे फ्लैट्स की बहुत ही ज़्यादा नीड थी, इसलिए मैंने मंगाए हैं फ्लैट्स और मेरी फ्लैट्स भी ख़राब हो रहे थे तो ये फ्लैट्स मैंने मंगाए। ये आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है ब्लैक कलर। कलर मैंने अपने अकॉर्डिंग मंगा लिया, ट्रेंड में तो ब्लैक हमेशा रहता ही है लेकिन ब्लैक मैंने अपने अकॉर्डिंग मंगा लिया। उस पर आप लोग देख सकते हो वाइट वॉक, तो ये काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडी है ईजीली और काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हैं और पहनने में अगर हम इनकी बात करें तो ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। साइज़ वाइज जितने भी पेयर मैंने मंगाए हैं साइज़ वाइज सभी काफ़ी अच्छे आए हैं, सभी के साइज़
बेसिकली बहुत ज़्यादा सूटेड आए हैं, फिट आए हैं, क्योंकि जैसा आप साइज़ देंगे उसी के अकॉर्डिंग आपको प्रोडक्ट मिलेगा, जैसा आप पैसा देंगे उसी के अकॉर्डिंग आपको प्रोडक्ट मिलेगा। तो बेसिकली ये मैंने फ्लैट्स मंगाए और ये फ्लैट्स मुझे काफ़ी पसंद आए और काफ़ी ज़्यादा अच्छे भी लग रहे हैं, एंड होपफुली ये काफ़ी सूटेबल रहेंगे, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। तो आई जस्ट लव इट, और प्रॉपर तरीके से देख लो आप लोग, हल्की सी इसमें बहुत ही लाइटिंग सा हील्स है, तो ये काफ़ी मुझे अच्छे लगे। इसके बाद हम अनबॉक्स करते हैं नंबर फोर, जिसमें यस एक और ग्लिटरी पेयर जो कि है सिल्वर कलर का, और इसके बारे में मैं आपको क्या बताऊँ, ये बहुत ही ज़्यादा सूटेड है, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, इसकी जो सोल है ये बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है, पहनने के बाद इसमें इतना रिलैक्स मिला और चलने में भी ऐसा नहीं कि हील्स में पेन हो रहा हो, तो ये काफ़ी सूटेड है, काफ़ी अच्छा है। और अगर हम इसकी शाइनिंग की बात करें तो यू कैन सी इसकी जो शाइनिंग है वो कितनी ज़्यादा अच्छी है, देख सकते हो आप लोग इसकी शाइनिंग पेयर कितना ज़्यादा अच्छा है और ये ओवरऑल कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लुक दे रहा है। तो इस तरीके की हील्स काफ़ी सही रहती हैं, और मैंने आपको इस वाले का प्राइस बताया नहीं था, ये मुझे मिल गया सिर्फ 200 रुपीज़ में, तो ये काफ़ी ज़्यादा सस्ता था, क्योंकि हम लोग ने वो फ्लैट्स मैंने मंगाए थे उसमें, तो वो काफ़ी रीज़नेबल प्राइस पे मुझे मिल गया। अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसके जो प्राइजेज हैं वो रहे हैं मेरे 490 रुपीज़। ये मुझे काफ़ी मतलब काफ़ी मुझे अच्छा लगा कि 490 में मतलब इतना ज़्यादा स्टाइलिश और इतना ज़्यादा अच्छा पेयर मुझे मिला। तो इसको मैं किसी के भी साथ ब्लैक, गोल्डन या फिर अदरवाइज और भी कलर्स होते हैं किसी के भी साथ, पटियाला सूट के साथ, जीन्स के साथ तो खैर इतना ज़्यादा ये ग्लिटरी कलर नहीं जाएगा, लेकिन अपार्ट फ्रॉम जीन्स जैसे कि कोई भी वेडिंग होता है, कोई फंक्शन होता है, उसके हिसाब से ये काफ़ी ज़्यादा सूटेड है। साड़ी वगैरह पर इजीली कैरी हो सकते हैं, लहंगे पर कैरी हो सकते हैं, सूट वगैरह पर कैरी हो सकते हैं, तो ये पेयर भी मुझे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट किया और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। आप लोगों को मेरी ये जो हील्स की सीरीज़ है ये कैसी लग रही है मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बताइएगा। आप लोग बताते नहीं हैं तो मुझे काफ़ी ज़्यादा वो रहती है कि आप लोग मुझे थोड़ा तो बताएं कि किस तरीके से लग रहा है। अभी एक और पेयर जो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ये है वाइट। वाइट की मुझे बहुत ज़्यादा नीड थी और इतनी ज़्यादा हील्स की नीड नहीं थी, तो इसमें बहुत ही थोड़ी सी हील्स हैं, अप्रोक्स 2 इंचेस की हील्स हैं, और वाइट कलर हम किसी के भी साथ कैरी कर सकते हैं, और आप लोग देख सकते हो कि इसका लुक कितना ज़्यादा अमेजिंग है और ये कितना ज़्यादा प्यारा ये पीस लग रहा है। थोड़ा सा मैं आपको उसको पास से दिखा देती हूँ, आप लोग देखो कि ये कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल पीस है, कितना ज़्यादा। तो इस तरीके के जो हम लेते हैं ये फ्लैट्स में भी आ जाते हैं, थोड़े से हील्स में आ जाते हैं, पहनने में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं, और इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होती कि आपको टाई अप करनी है, तो ईजिली कहीं पर भी पहन के जा सकते हो, किसी फंक्शन में पहन के जा सकते हो, कैजुअली आप लोग इसको कैरी कर सकते हो। तो इस तरीके के फुटवेयर्स मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है, तो ये मैंने अपने लिए मंगाया। और अगर हम इसके प्राइजेस की बात करें तो इट्स अराउंड 700 रुपीज़, जो कि काफ़ी ज़्यादा मुझे सूटेबल लगा। तो ये मुझे हील बहुत ज़्यादा पसंद आई, आप लोगों को कैसी लग रही है देखने में, क्योंकि इसका जो लुक है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, साड़ी पर जा सकता है, जीन्स पर, कुर्तीज पर, स्कर्ट्स पर, किसी के भी साथ हम इसको कैरी कर सकते हैं, तो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। तो पूरी ओवरऑल जितने भी थे मैंने फाइव पेयर्स मैंने मंगाए थे और मैंने सारे के सारे अनबॉक्स कर लिए हैं, अभी कुछ नहीं बचा है एक्स्ट्रा में, तो वन बाय वन ये सारी चीज़ें आप लोगों ने देखी, और आप लोग मुझे बताइए कि आप लोगों को मेरा ये फुटवेयर का जो सीरीज़ है ये कैसा लगा, और इन सारी में सबसे ज़्यादा जो आप लोगों को पसंद आई वो कौन सी हील्स पसंद आई, या फिर कौन सा फ्लैट है आप लोगों को सबसे ज़्यादा पसंद आया। मुझे तो सभी बहुत ज़्यादा अच्छे लगे, क्योंकि कलर कॉम्बिनेशन वाइज सब बहुत अच्छे हैं, और पहनने में भी मैंने आप लोगों को जैसे दिखाया काफ़ी ज़्यादा सूटेबल हैं सारे के सारे पीसेस। सो मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा ये सारे पीसेस अच्छे लगे। आप लोगों को मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं मुझे कमेंट्स में बताइए, और इसके अलावा ये फुटवेयर की जो सीरीज़ थी
वो आप लोगों ने काफ़ी डिमांड करी, उसके अकॉर्डिंग मैं इसको लेकर आई। और भी बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं अलग अलग तरीके की, अलग अलग पैटर्न की, तो स्टे ट्यून और प्लीज़ मुझे अप टू डेट रखिए कि आप लोगों को और क्या अच्छा किस चीज़ के ऊपर मैं और वीडियोस लेकर आऊँ। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, मैंने सारा प्रॉपर तरीके से वो मैस फैला के रख दिया है। अभी ये सब कुछ बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा इसको रैप अप करने में। सो टेक केयर, टिल देन बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।